हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और घर का बाकी का आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है। तो इधर मैं पोछा लगा देती हूँ क्योंकि बर्तन और झाड़ू तो मैंने सुबह में ही लगा कर लिया था, अभी पोछा लगाना ही बाकी था। तो बस पोछा लगाने के बाद में ये सारे कपड़े धोने हैं मुझे। 2 दिन के कपड़े जमा हो चुके हैं मेरे, क्योंकि 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी आता है इसकी वजह से। तो अभी मैंने पाउडर में अच्छे से झाग बना लिया है और ये सारे कपड़े हैं वो मैं उसमें डुबो दूँगी, ताकि 2-3 घंटा रखूँगी तो कपड़े में से मैल निकल जाएगा। और ये जो इसका पेंट है वो मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी उसमें वो पैसे भूल जाते हैं निकालने के लिए। तो मैं कभी कभी मैं भी चेक करना भूल जाती हूँ, तो बोलते हैं कि चेक कर लेने का। तो फिर मैं चेक करके सारे कपड़े में भिगो दी हूँ पाउडर में अभी। तो फ्रेंड्स, अभी कपड़े सुबह में भिगोए थे, उसके 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो अभी कपड़े में आधा से ज़्यादा मेल तो निकल गया होगा। तो अभी फटाफट मैं कपड़े धो लेती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलो फटाफट। तो 2-3 घंटे के बाद मैं इधर कपड़े धोने आ गई हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे में तो कपड़े में से काफ़ी सारा मेल निकल चुका होता है। तो बस अभी मैं कपड़े धो लेती हूँ, बाकी का घर का काम तो हो चुका है, बस कपड़ा धोना ही बाकी था। और वैसे अभी ठंडे का मौसम है तो सुबह सुबह मैं जल्दी कपड़े नहीं धोती हूँ, मैं थोड़ा लेट ही धोती हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो बस देखिए, थोड़े थोड़े करके मैं कपड़े धो लेती हूँ और पाउडर में भिगोने से ना मेल भी निकल जाता है, इतना ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता है। जींस के कपड़े मुझे घिसने रहते हैं, वो जींस के रहते हैं ना, तो वो घिसने का रहता है। बाकी मेरा और विश्रुति का तो मैं ऐसे ही पाउडर में से निकाल कर तुरंत ही धो लेती हूँ। तो बस सारे इधर अभी मैंने सारे कपड़े को ब्रश लगा दिया है और अभी 2-3 पानी से मैं इस तरह से धो धो कर इधर ही लगा दूंगी, ताकि पानी निकलने के बाद ही मैं सुखाऊंगी कपड़े। तो बस सारे कपड़े मैं इधर ही डाल देती हूँ, ताकि सारा पानी है कपड़ों में से निकल जाए, उसके बाद फिर मैं सुखा दूंगी। और बस ये वीडियो का भी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।